हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका काका। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, तभी आपके पास मेरे रेसिपी के नए नए वीडियो आएंगे। ओके फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी, हम जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो पालक पनीर सबकी फेवरेट होती है, और पालक पनीर कैसे बनता है वो मैं आज आपको बताऊँगी। ये है पालक, ये हमने कट करके रखा है, और ये है मिर्च, ये है प्याज, और ये है टमाटर, और फ्रेंड्स ये है अमूल मलाई, बराबर अमूल का पनीर है, ये एकदम फ्रेश पनीर है, और ये अमूल का ही पनीर लाओ, ये बहुत अच्छा लगता है टेस्ट में। ओके, आज हम इसका पालक पनीर बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब इसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। ओके देखो फ्रेंड्स, ये हमने रख ली है पालक, इसके अंदर हम डाल रहे हैं सारी पालक को, हमें ऐसे इसके अंदर डाल देना है, और इसके अंदर थोड़ा पानी ऐड करना है। ये पानी है 2 कप पानी है। ओके, छोटे छोटे ये इतने बाउल होते हैं ना, ये 2 कप। अब हम इसको रख देंगे और 2 सीटी लगा देंगे, ये 2 सीटी में हो जाता है। ओके, फिर हम इसका ब्योरी बना देंगे, ग्रेवी। इसका हम ग्रेवी करके फिर हम इसको इसकी सब्जी बनाएंगे। ओके, और मैं आपको आज एकदम नए तरीके से और एकदम इजी और झटपट बनाने वाली पालक पनीर सिखाऊंगी। आप भी फ्रेंड्स अपने घर ऐसी पालक पनीर बनाइएगे मेरी रेसिपी से। फ्रेंड्स, ये हमने मिक्सर में इसको क्रश करके ये इसका लिक्विड फॉर्म बना दिया है। अभी आप भी ऐसा इसको 2 सीटी लगा के ये हो जाता है। ओके, इसके अंदर मिर्च, ये है लहसुन, ये है टमाटर की प्योरी, ये है गार्लिक की प्याज की प्योरी, और ये है हमारे पनीर के कट किए हुए पीसेस। अब हम इसके अंदर तेल डालेंगे फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, ये हमारा ऑयल गरम हो चुका है। अब हम इसके अंदर ये पनीर थोड़ा फ्राई कर लेंगे। पनीर फ्राई कर लेंगे ना, तभी इसका ये अच्छा टेस्ट आएगा, वरना ये थोड़ा मेल्ट हो जाता है, मतलब ये इसके कट हो जाते हैं पनीर, पालक पनीर में। इसको हमें थोड़ा और सेकना है। देखो फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर मसाले करेंगे। ओके, देखो फ्रेंड्स, ये हमने जीरा डाल दिया है। ओके, ये हमें हींग डालिए, ये मिर्च पाउडर डाला है हमने, ये मिर्ची है, हरी मिर्ची है, और ये लहसुन है, अभी हमें इसे अच्छे से सेकना है, और अब हम ये डाल रहे हैं टमाटर, ये है प्याज की प्योरी, ये हम टमाटर की प्योरी डाल रहे हैं, ये कटा हुआ मिक्सर में पीसा हुआ है। ओके, अब हम हाँ मिर्च पाउडर डाल रहे हैं 1 स्पून, ये 1/4 स्पून हल्दी डाल रहे हैं, ये गरम मसाला है, धनिया पाउडर है ये, और अब हम इसके अंदर सॉल्ट डालेंगे, एक स्पून है सॉल्ट है ये, हमें इसे अब अच्छे से पक जाता है तब तक इसको पकाना है।
ये हमें 5 to 7 मिनट तक हमें इसको अच्छे से पकाना है ताकि इसका अच्छा टेस्ट हमारे पालक पनीर में आ जाए। सो देखो फ्रेंड्स, ये हम काश्मीरी मिर्च डाल रहे हैं, इससे इसका लुक बहुत अच्छा आता है, ये दिखने में अच्छा लगता है, ये बहुत फीका लगता है पर लुक में अच्छा लगता है। सो हमने डाल दिया है। देखो फ्रेंड्स, ये हमारा 7 मिनट हो चुका है, ये हमारा मसाला पक चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये पालक की प्योरी। देखो फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है ना, ये हमने रेस्टोरेंट स्टाइल बनाया है, रेस्टोरेंट में भी ऐसे ही वो अप्लाई करते हैं। सो हमने ये रेस्टोरेंट स्टाइल बनाया है, आप भी ऐसे स्टाइल से बनाओ। देखो फ्रेंड्स, ये अभी हमें एक पालक डाला है हमने, जो हमने ग्राइंड किया हुआ था वो हमें अभी 2-5 मिनट और हमें इसको अच्छे से बॉईल होने देना है, फिर ही हम ये अच्छे से पक जाएगा ना, तभी हम इसके अंदर ये पनीर डालेंगे। ओके, तभी इसका ये अच्छा टेक्सचर आएगा। हेलो फ्रेंड्स, ये देखो हम अभी इसके अंदर हमने पनीर डाल दिया है। ओके, अभी हम इसको पनीर डाल के थोड़ा और पकने देंगे। ओके, अभी हमें इसको दो तीन मिनट तक पका देना है, क्योंकि पनीर इसके अंदर घुल जाए और इसका टेस्ट पनीर के साथ बहुत अच्छा लगे, इसलिए हमें इसको 2 to 3 मिनट्स और हमें इसको करना है, अभी पकने देना है। देखो फ्रेंड्स, ये हमारा 2 to 3 मिनट्स और हो चुका है, अब हम इसको निकाल देंगे और अब हम प्लेटिंग कर देंगे। देखो फ्रेंड्स, ये हमारी पालक पनीर तैयार हो चुकी है, और वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल। आप चाहे तो इसके अंदर थोड़ा बटर ऐड कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा तीखा लगे तो आप बटर ऐड कर सकते हैं, पर हमें तीखा पसंद है तो हमने बटर ऐड नहीं किया है। आप बटर ऐड कर सकते हैं तो भी इसका टेस्ट अच्छा ही रहेगा। प्लीज़ फ्रेंड, ये सब्ज़ी आप अपने घर बनाइए, रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर, और सबको खिलाइए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। प्लीज़ फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो।